प्रदेश में मदनलाल सैनी की मृत्यु के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट को लेकर अब माहौल बनने लगा है। 26 अगस्त को होने वाले उपचुनाव को लेकर दोनों पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। वैसे आपको बता दें कि राज्यसभा उपचुनाव के लिए भाजपा के लिए ये सीट बचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रदेश में अब कांग्रेस की सरकार है और विधानसभा में कांग्रेस का संख्याबल मजबूत है। ऐसे में भाजपा सीधे तौर पर प्रत्याशी उतारने की बात तो नहीं कर रही, लेकिन प्रदेश भाजपा के आला नेता दावा कर रहे हैं कि अगर हाईकमान प्रदेश में प्रत्याशी उतारता है तो प्रदेश इकाई उनको निराश नहीं करेगी। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि बीजेपी संख्याबल में कमजोर है, लेकिन हमारे पक्ष में कुछ निर्दलीय और आरएलपी के दो विधायक साथ हैं। राज्यसभा का चुनाव का जहां तक सवाल है, ये भी सिर्फ नेतृत्व तय करेगा। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह प्रदेश की इकाई पूरी तरह तैयार है। जिस दिन केंद्रीय नेतृत्व का इशारा होगा और कैंडिडेट तय होगा, तो कांग्रेस का ये बात सही है कि नंबरों में वो ज़्यादा हैं, परंतु जिस प्रकार से कांग्रेस की बिखराव की स्थिति है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतेगी और स्पष्ट बहुमत के साथ राज्यसभा में हम जीतेंगे। वैसे तो संख्या बल के आधार पर भारतीय जनता पार्टी विधायक दल छोटा है, बहुत है हमारे साथ, और दो हमारे सहयोगी दल के हैं और कुछ हमारे साथ निर्दलीय हैं। पर कांग्रेस की टूटन सामने है। पूरी विधानसभा सत्र के दरमियान भी कांग्रेस के माननीय सदस्यों का सदन के अंदर फ्लोर पर जिस प्रकार प्रति एक तरह से विरोध का भाव रहा, इस बात को पूरी को देखकर हमारा चीफ नेतृत्व आकलन कर रहा है कांग्रेस की टूटन किस कदर बढ़ सकती है, उसके बारे में हमारा नेतृत्व चर्चा करके उसके बाद कोई निर्णय करेगा।